ऑल राइट गाइस, स्वागत है आपका GTA 5 के ब्रांड न्यू गेम प्ले के एपिसोड के अंदर। बाकी ठीक है यार, ये वाली बातें तो बाद में। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50 लाइक का, तो भाई तुम लोग ना करवा देना यार इसको कंप्लीट। और गाइस आज ना मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, और वो मीटिंग हमारी एक पुलिस ऑफिसर से है, और वो हमसे कुछ काम करवाना चाहते हैं। लेकिन गाइस उससे पहले मेरी ये वाली कार देखो गाइस, इस कार के अंदर बहुत क्रेजी क्रेजी चीज़ें हैं जो कि आपको चलने के बाद, इसको चलाऊंगा ना जब मैं, आपको दिखेंगी। तो भाई इसको लेके निकलते हैं अब यहाँ से, और सीधा चलते हैं उसी लोकेशन पे जहाँ पे उस पुलिस वाले ने मेरे को बुलाया है। तो गाइस वो मुझसे क्या काम कराना चाहता है यह तो मुझे वहीं जाके पता चलेगा। उससे पहले मैं ये वाली गाड़ी निकालता हूँ यहाँ से। और गाइस इसकी एक बहुत ही खास कारनामा है इसका, जो कि आपको भी पता चलेगा। ये देखो गाइस, इसके जो इसकी एग्जॉस्ट है ना, उसमें से यार गाइस नाइट्रस ऐसा निकलता है ना गाइस, और गाड़ी की स्पीड एकदम हवा से बातें करने लगती है। तो देखना गाइस, अब मैं इसको पुलिस पे भगाने वाला हूँ। तो गाइस देख रहे हो गाइस, 390 तक तो ऐसे ही पहुँच गई थी। और गाइस इस कार को तो ना मैं बहुत सही फैन हो गया हूँ। और भाइयों आपको ये गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताना ज़रूर। और फिलहाल इसकी मैंने टेस्टिंग काफ़ी कर ली है, अब सीधा बढ़ते हैं उसी लोकेशन पे जहाँ पे मुझे उस पुलिस वाले से मीटिंग करनी है। और फिलहाल मैं आ गया हूँ हाईवे पे, और यहाँ पे ट्रैफिक भी कुछ ज़्यादा ही है। तो भाइयों यहाँ पे इस कार को भगाने के लिए ना मुझे बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़रा सा मेरे से गलती हुई ना तो ये कहीं भी जाके घुस सकती है। और गाइस मैं नहीं चाहता मेरी इतनी कूल गाड़ी कहीं पे जाके ठूके। हो भाई साहब अभी बचे हैं हम लोग थोड़ा सा ही, कि मुझसे बस मिस हैंडलिंग्स की वजह से हो गया था। तो लेकिन हम लोग अभी अपने रास्ते पे एकदम क्लियरली चलते जा रहे हैं। और गाइस उन पुलिस वालों ने ना मुझे एक फेस्टिवल वाली लोकेशन पे बताया है, और उन्होंने ये भी बताया है वहाँ पे खूब सारे झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो गाइस वहीं जाके पता चलेगा कि कहाँ पे झूले लगे हैं और वो बंदे वहाँ पे कर क्या रहे हैं। और भाइयों वो पुलिस वाले भी मेरे को लगता है किसी और के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि यार पुलिस की गैंग ऐसे छुप के मिलती तो नहीं है। वो मेरे को अपने ऑफिस में बुला सकती थी, पुलिस स्टेशन में भी बुला सकती थी, और मैं भी अपने किसी और बेस में बुला सकती थी, और वो ऐसे ओपन में मिलना तो मेरे को सही नहीं लग रहा है। तो लेकिन फिलहाल अब बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना भाई। और भाइयों अभी हम लोग उस लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ पे वो फेस्टिवल चल रहा है। देख रहे हो गाइस यहाँ पे झूले वगैरह लगे पड़े हैं, कई सारी स्लाइड्स वगैरह हैं। और साथ में यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क कर देता हूँ, और उसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं सीधा पैदल, और देखते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है। तो भाइयों यहाँ पे तो ना काफ़ी कुछ चीज़ें लगी हुई है, और ये दरवाज़ा क्यों नहीं बंद हो रहा है। ओके बंद हो गया गाइस, और कार हमारी लॉक हो गई है ताकि इस गाड़ी को कोई चुरा ना ले। और भाइयों अब सीधा बढ़ते हैं उसी ऑफिसर के पास जिसने मुझे बुलाया था, वह अंदर ही है कहीं मेरा इंतज़ार कर रहा है, और मुझे हालांकि उसको ढूंढना पड़ेगा। और भाइयों यहाँ पे देख रहे हो यार कितनी सारी शॉप्स वगैरह हैं, साथ में यहाँ पे चश्मे वगैरह भी मिल रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई परचेज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे ना कोई दुकानदार बैठा ही नहीं है जिससे हम लोग कुछ सामान खरीद सकें। आई थिंक ये मेला अभी यहाँ पे जल्दी ही लगा है, हालांकि यहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, और लेकिन अपने को तो पुलिस वालों से मिलना है, इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना है। और भाई देख रहे हो यहाँ पे कपड़े की शॉप भी है, और भाइयों ये खड़े हैं वो पुलिस वाले जिन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है। और बीच में गाइस ये बॉडी बिल्डर देखो अभी भी यहाँ पे पाइप स्ट्रैप अपने मार रहा है। भाई साहब क्या भयंकर बॉडी बना रखी है भाई लड़के ने। और भाइयों अब मैं समझ गया हूँ, शायद ये पुलिस वाले इस बॉडी बिल्डर के लिए काम कर रहे हैं, या तो ये बॉडी बिल्डर ही खुद एक सीक्रेट ऑफिसर होगा मे बी। ओके गाइस, तो भाई ये मुझे समझा रहा है ये पुलिस वाला, कह रहा है कि यार इसे एक बंदे को किडनैप कराना है जो कि मेरे से करवाना चाहता है, और वो बंदा भी पुलिस में ही काम करता है जो कि इलीगली किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, और उसको मुझे किडनैप करके इन लोगों के पास लेके आना है। और ये बॉडी बिल्डर जो है ये भी उन्हीं का एक ऑफिसर ही है। तो भाई अभी ये काम तो मैं कर सकता हूँ, बदले में मुझे कह रहा है ठीक है तेरे को कुछ ना कुछ अमाउंट दे देंगे, लेकिन मैंने इन लोगों से डिमांड करी है $5 million की उस बंदे को किडनैप करने के लिए। तो भाई यो इतनी अमाउंट तो वैसे ठीक मांगा है मैंने, और ये रेडी भी हो गया है मेरे को देने के लिए। तो भाई यो अभी उसी लोकेशन पर चलते हैं जहाँ पर इन्होंने मुझे बताया है कि वो बंदा एक फ़िशिंग करने के लिए इस टाइम जाता है। तो भाई वो बंदा फ़िशिंग करने गया हुआ है, और उसी लोकेशन में मुझे जाके उसको किडनैप करना है। तो अभी सीधा चलते हैं अपनी कार के पास, अपनी कार को लेते हैं और चलते हैं सीधा उसी बंदे की लोकेशन पे। और भाइयों देख रहे हो यार कैसे फ़ोन पे बात करता हुआ जा रहा है, यही मेरे से लड़ जाता ना अभी इसका भूत भर देता मैं। तो भाइयों कोई बात नहीं, चला ही गया वो, कोई बात नहीं बच गया मेरे से। तो भाइयों अभी चलते हैं अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सीधा पहुँचते हैं उसी लोकेशन पर जहाँ पर वो बंदा फ़िशिंग करने गया है।
तो भाई आज उसके जाल में फिश आए या ना आए, लेकिन यार हमारे जाल में तो वो फंसने वाला है, क्योंकि आज हम लोग उसको किडनैप करने वाले हैं। तो अभी अपनी कार को घुमाते हैं और सीधा पहुंचते हैं उसी लोकेशन पे। लेकिन यार इन पुलिस वालों ने मुझे थोड़ा बहुत समझाया है कि भाई वो भी एक पुलिस वाला है और हम लोगों को बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट अगर उसने ज़रा से भी किया ना तो मेरे पीछे पूरी लॉस सैंटोस की पुलिस भी लग सकती है। तो फिलहाल तो मैं उसको किडनैप करने जा रहा हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हम लोग सोचेंगे हम लोग जाके एकदम उसको आराम से किडनैप करेंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग उसको किडनैप करने आए हैं। तो फिलहाल मैं अपनी कार को भगाता हूँ फुल स्पीड में और लेके चलता हूँ सीधा वहीं उसी लोकेशन पे जहाँ पे वो फिशिंग कर रहा है। और भाई यहीं से मुझे लेफ्ट मोड़ना है, एक सेकेंड गाइस। तो भाई मेरी गाड़ी देख रहे हो गाइस, क्या मज़ा आ रहा है यार इसको चलाने में। तो भाई ये देख रहे हो इसमें नाइट्रस ना, इसके तीन जगह से इसके नाइट्रस निकलता है। असली यार इस कार का तो मैं बहुत सही फैन हो गया हूँ गाइस। और भाई अब इसको भगा के चलते हैं सीधा लोकेशन के पास अपनी, जो अपनी मेन लोकेशन है। हो भाई साहब ये ट्रक वाले देख रहे हो कितने भौकाल में चल रहा था मेरे आगे। और भाई साहब अभी मैं उस लोकेशन के पास आ गया हूँ जहाँ पर बंदा फिशिंग कर रहा है और गाड़ी भी उसकी यहीं पर खड़ी हुई है। गाइस देख रहे हो क्या उल्लू बना हुआ है बीच में यार, और वो बंदा खड़ा भी है। लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ उसको अपना फेस नहीं दिखाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ मास्क वगैरह पहनना पड़ेगा। तो भाई अभी मैं सोच रहा हूँ पहले एक मास्क पहन लेता हूँ मैं, एक सेकंड देखता हूँ मेरे पास कुछ मास्क वगैरह मे भी होंगे। ये वाला तो अरे यार इसको देख के तो डर जाएगा, मुझे कुछ ऐसा पहनना है थोड़ा सा। हाँ ये सही रहेगा गाइस, हम लोग एक तरह से मंकी मैन बन गए हैं और उसको पता भी नहीं चलेगा। और मैंने अपनी पिस्टल हाथ में ले ली है, वो बंदा आराम से बिजी है फिशिंग करने में। कोई बात नहीं भाई, आज तो मुझे तो लेके जाना ही है मेरे को, जो कि मेरा तरीका है। हाथ ऊपर कर ले भाई, नहीं नहीं हाथ ऊपर कर ले भाई, और आज तुझे छोड़ना नहीं है और शांति से मेरी बात मानना है तेरे को। और अगर कुछ भी गलती करी, ये देखो भागने लगा रहा है। अरे यार अगर भागा तो गया भाई, तो भागना नहीं है तेरे को, चुपचाप घुटनों के बल नीचे आ जा पहले, तो घुटनों के बल बैठ, जल्दी बैठ भाई, टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ ऐसे तो भाई बैठ गया है घुटनों के बल। और अभी मैं इसको ऑर्डर देता हूँ कि यार सीधा मेरे पास मेरे साथ ही मेरी गाड़ी में बैठेगा, अदरवाइज़ मैं इसको गोली मार दूँगा। और मैंने इसको समझा दिया है कि यार चुपचाप चल के मेरी कार में जाके बैठना है तेरे को, और अगर कुछ भी इसने कोशिश करी ना फ़ोन वोन करने की या कुछ भी, इसका फ़ोन वोन सब कुछ कार में रखा हुआ है, इसकी जो वो ब्लैक वाली कार खड़ी है ना उसमें सब कुछ रखा हुआ है, इसको बस उससे उस कार के पास तक नहीं जाने देना है मेरे को। तो भाई इस बंदा रेडी हो गया है, तो ये बोल रहा है जैसा कहोगे वैसे मैं करूँगा, जो करना होगा वो मैं करूँगा। तो भाई अभी ये मेरे साथ में आने वाला है, और अगर ये कार के पास गया तो मैं इसको गोली मार दूंगा। तो भाई अभी मैं अपनी कार के पास आ गया हूँ और इस बंदे को मैंने बोला है मेरी कार में आके बैठने के लिए, तो चलो बैठते हैं गाइस। ये देखो गाइस आ रहा है, आराम से आ रहा है, बैठ रहा है, क्योंकि गाइस ये ना कुछ कर नहीं सकता है, इसकी गन इसका सारा सामान ना इसकी कार के अंदर रखा हुआ है, तो ये किसी को कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकता है। और अभी इसे लेके चलते हैं सीधा उसी लोकेशन पर जहाँ पर वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं, वो मसल मैन एंड दो पुलिस वाले। तो भाई अभी चलते हैं, आराम से चलते हैं, इस कार को निकालते हैं यहाँ से, इससे पहले कि यहाँ पे मेरे पीछे पुलिस लगे इसकी गाड़ी को ढूंढते हुए आ जाए। मे बी ये भी हो सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो मुझे यहाँ से बच के निकालना है बिना किसी नाटक के। तो भाई हमारी कार तो फुल स्पीड में भाग ही रही है, अब यहीं से मुझे लेफ्ट लेना है। ओह भाई साहब थोड़ी सी मेरी गाड़ी ठुक गई आगे से, कोई बात नहीं इसको मैं रिपेयर करा लूँगा। और फिलहाल तो मुझे बहुत ही आराम से चलना पड़ेगा ताकि किसी को पता ना चले हमारे बगल में हम लोग किसी को किडनैप करके ले जा रहे हैं, और अगर किसी को शक भी हुआ ना तब भी वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत तेज चलती है यार। एक बार इसका नाइट्रस ऑन कर दिया ना तो भाई ये गाड़ी तो हवा से बातें करने लगती है, यही चीज़ मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा कूल लगती है। तो भाई वो अभी हम लोग बीच वाली लोकेशन के पास आ गए जहाँ पर वो फेस्टिवल चल रहा था और वो बंदे वहीं पर मेरा वेट कर रहे हैं। और भाई आज कुछ ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही हो गया है यार, और भाई साहब इस ट्रैफिक में इस नाइट्रस का तो यूज़ करना बेवकूफ़ी होगी, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। लेकिन यार अब बेवकूफ़ी करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि यार अपने को जल्दी पहुँचना है। मेरी गाड़ी यार थोड़ी सी ठुक गई है आगे से, और भाई ठुक तो गई है लेकिन यार इसको रिपेयर कराने के लिए अब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जाएंगे। फिलहाल मैं अभी जाता हूँ, इस बंदे को उन लोगों के हवाले करता हूँ और बदले में लेता हूँ अपने $5 million, जो कि मैंने उन लोगों से वादा किया है और उन लोगों ने मुझसे भी वादा किया है। तो चलो अभी देखते हैं
पे जाके क्या होगा और इस बंदे का वो लोग क्या हाल करेंगे। और भाइयों उस लोकेशन के पास में आ गया हूँ और अब इसे अंदर लेके चलते हैं। अरे यार मेरी गाड़ी यार थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जा रही है बीच बीच में। चलो कोई बात नहीं, तो ये करो गाइस एक बार नाइट्रोस ऑन करते ही गाड़ी का पिकअप तो एकदम हवा से बातें करने लगता है यार। ये चीज़ मेरे को इस कार की बहुत ही शानदार लगती है। और फिलहाल मैं अपनी कार को यहीं पे ड्रिफ्ट मारकर पार्क कर देता हूँ आराम से। ऑलराइट, तो अभी यहीं पे हम लोग अपनी कार पार्क कर देते हैं और चल भाई मेरे साथ आना। अगर तूने जरी सी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ नौटंकी करी ना तो भाई तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। हो भाई साहब ये बंदा ना बहुत ज़्यादा डर गया है और मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है और ये कहीं जा नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये भागेगा तो मैं इसको शूट कर दूंगा और इसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे को फॉलो करने के अलावा। और भाई ये देखो मेरे पीछे पीछे आता जा रहा है, तो भाई अभी सीधा इसको लेके चलते हैं उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स के पास। और मैं अपना मास्क इसके सामने नहीं हटाने वाला हूँ क्योंकि यार ये बंदा भी एक पुलिस ऑफिसर है और अगर इसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया ना तो ये अभी तो नहीं लेकिन बाद में मुझे नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचा सकता है। तो इसके सामने मैं अपना मास्क तो हटाने वाला नहीं हूँ। तो भाई हम लोग उन्हीं पुलिस वालों के पास आ गए। थोड़ी दूर पे वो बंदे आगे खड़े हुए हैं और ये बंदा मेरे को फॉलो करता हुआ मेरे पीछे आ रहा है और अभी इसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है भाई। तो भाई ये मेरे हाथ में पिस्टल है और वो बंदा चलता आ रहा है यहाँ पे। आज देख रहे हो गाइस पुलिस वालों के सामने हम लोग पिस्टल लेके ऐसे शान से घूम रहे हैं जो कि हमारे साथ हमारे दोस्त बन गए हैं। तो भाई देखो यार तुम लोगों का जो बंदा जिसने बुलाया था ना उसको तो मैं ले आया हूँ और ये पुलिस वाला कह रहा है उस बंदे से तो मैं अकेले निपटूंगा तू साइड हो जा। तो भाई हम लोग साइड में खड़े हो जाते हैं और अभी पुलिस वाला क्या करने जा रहा है इस बंदे के साथ। तो उस बंदे के साथ थोड़ी बहुत ये बातचीत कर रहा है लेकिन यार ये कह रहा है ये बंदा एक तरह के धोखेबाज है, ये किसी डील में इसको धोखा दिया था। और भाई देख रहे हो पुलिस वाले के ऊपर ही स्टार लग गए इसको मारने के बाद। तो भाई ये पुलिस वाला मुझसे कह रहा है कि तू जल्दी हो जाए यहाँ से निकल ले, लेकिन यार मैं इससे अपना पैसा मांग रहा हूँ तो ये मना कर रहा है। क्या था अगर तुझे यहाँ से किडनैप नहीं होना है पुलिस वाले तुझे पकड़ के ना ले जाए तो यहाँ से चुपचाप जाके निकल ले। तो भाई यार ये चीज़ तो गलत है ना। और गाइस हमारे पैसे के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है, ये कह रहा है पैसे तुझे बाद में मिलेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे। और ये गाइस एक तरह से मुझे धोखा दे रहा है यार और उसको घिसड़ा के इसको साइड में ले आया है ताकि यार हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और ये पुलिस वाला मुझसे कह रहा है कि पैसे तुझे मिल जाएंगे अगर मिलने होंगे तो, लेकिन यार फिलहाल यहाँ से तू निकल ले। तो भाई ये तो गलत है ना यार, पैसे भी नहीं दिए और काम भी करा लिया, लेकिन इसका बदला तो मैं लेकर आऊँगा। मैं मन तो कर रहा हूँ इन तीनों लोगों को अभी यहाँ पे शूट कर दूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता हूँ भाई। ये बॉडी बिल्डर को देख रहे हो अपना बार बार नीचे रख के रेडी हो गया है, अगर मैं कुछ ना कुछ एक्शन लूँगा ना तो ये तीनों मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं। और फिलहाल मेरे पास इन मैडम के ऊपर अटैक करने के अलावा और कोई काम नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इन्हीं को थोड़ा सा डरा देता हूँ लेकिन यार मेरे पैसे तो मुझे मिले नहीं हैं। और यार इसके इस बात का पता ना मेरे को लेस्टर को बताना ही पड़ेगा। भागो यहाँ से, भागो सारे भागो यहाँ से, इससे पहले पुलिस मेरे पीछे पड़े। तो भाई पुलिस वाले तो मेरे पीछे लगा ही दिए हैं मेरे ख्याल से अभी इसने, और उन लोगों ने फ़ोन तो कर ही दिया होगा। तो फिलहाल मैं अपनी कार लेता हूँ इससे पहले मेरे पीछे पुलिस पड़े, क्योंकि यार इन लोगों से मेरी थोड़ी बातचीत ना थोड़ी सी बिगड़ गई है यहाँ पर। और भाई पैसे तो मुझे मिले नहीं हैं और काम भी हो गया है और ऊपर से हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मन तो कर रहा है उन लोगों को मारने का लेकिन हम लोग मार नहीं सकते हैं। इससे पहले यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो मैं यहाँ से निकलता हूँ। और भाई साहब जिस चीज़ का डर था वही हो गया, मेरे पीछे उस बंदे ने पुलिस लगा दी है। और भाई साहब मुझे पक्का भरोसा है उस बंदे ने यही बोल के लगाई होगी कि मैंने उनके टीममेट्स को मारा है जिसको मैं किडनैप करके लेके आया था। और भाई यहाँ पे मुझे तबाही मचाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और फिलहाल मैं यहाँ पे तोड़ फोड़ करता हुआ निकलने वाला हूँ। और भाई साहब मेरी गाड़ी की तो बैंड ही बज गई है। फिलहाल हम लोग यहाँ से उड़ते हुए जा रहे हैं। क्या गंदी ठुकी थी यार गाड़ी, देख रहे हो गाइस बोनट तक इसका खाली हो गया है। और भाई अभी यहाँ से मुझे लेफ्ट पहुँचने जाना है और गाइस बस जहाँ रास्ता मिल रहा है ना मैं भागता हुआ जा रहा हूँ। और फिलहाल मैं थोड़ा सा इन पुलिस वालों से बच जाता हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे लेस्टर के पास और उसको बताएं कि मेरे साथ अभी क्या धोखा हुआ है। इतना गंदा धोखा हुआ है ना गाइस, आज तो सच में भरोसा ही उड़ गया है पुलिस वालों से। तो भाई साहब पुलिस वाले इतने बेकार इंसान हो जाएंगे ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन यार पुलिस वाले बहुत हेल्प भी करते हैं। लेकिन फिलहाल यार यहाँ पे तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, मेरे से काम भी करा लिया और मुझे पैसे भी नहीं दिए और ऊपर से मेरे पर इल्ज़ाम भी लगा दिया और ऊपर से मेरे पीछे पुलिस भी छोड़ दी। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो गई है। और मेरी गाड़ी देख रहे हो यार कितनी तेज़ चल रही है और साथ में ठुक भी रही है और यहाँ पे स्टार भी ब्लिंक हो रहे हैं। मौका अच्छा है इन लोगों से बच के निकलने का। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ से यू टर्न लेता हूँ और यहाँ पे कोई ना कोई शॉर्टकट तो मेरे को मिलेगा
हे एक सेकंड गाइस, ये रैंप मेरे को दिख रहा है, मैं सोच रहा हूँ अपनी कार को यहीं से कुदा देता हूँ ताकि इन लोगों से थोड़ा सा तो पीछे छूटे। ओ भाई साहब, गाइस देख लो क्या भयंकर जंप लगाई हम लोगों ने। अफसोस हम लोगों की गाड़ी उल्टी हो गई है, थोड़ी सी सीधी हो जाती तो और अच्छी जंप लगती। कोई बात नहीं गाइस, हम लोग यहाँ पे देखते हैं बचेंगे कि जिंदा रहेंगे कि मरेंगे। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि हम लोग मरेंगे क्योंकि हमारी गाड़ी ना पानी के ऊपर जा रही है, अगर नीचे गिरती तो मे बी ये ब्लास्ट हो सकती थी, और अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई है और हम लोग सेफ हैं। और मेरे ऊपर एक चॉपर आ रहा है, इस चॉपर को सबसे पहले मुझे ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो ये ऊपर से सारी लोकेशन मेरी कार की बताता रहेगा इन लोगों को। एक सेकंड, सबसे पहले मैं अपना रॉकेट लॉन्चर निकाल लेता हूँ। और भाइयों मेरी गाड़ी का तो गेट भी टूट गया है। ओ भाई साहब, मैंने स्नाइपर हाथ में क्यों ली है, मुझे रॉकेट लॉन्चर निकालना ही पड़ेगा नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक सेकंड यार, चॉपर भाई 2 मिनट वेट कर ले, मेरा रॉकेट लॉन्चर निकल जाएगा। और भाई साहब, और ये मेरा एम लग चुका है और ये शूट, भाई साहब इस चॉपर की तो बैंड बज गई है। और अब जल्दी से अपनी कार लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यार इससे पहले यहाँ पे पुलिस वाले और ज़्यादा हैं, वो देखो वो लोग खड़े होकर मेरे को मारने लगे हैं। लेकिन हम लोगों के पास ये मौका बहुत अच्छा है यहाँ से फुल स्पीड में गायब होने का, और मैं अपने बूस्ट का सबसे बेहतरीन यूज़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और भाई साहब ये वाला रास्ता मेरे को एक सीक्रेट टनल है जहाँ से हम लोग बच के निकल सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं यहीं पे खड़ा हो जाता हूँ कुछ देर, और पुलिस वाले पीछे रह गए हैं, वो लोग मे बी आएंगे कि नहीं आएंगे ये मेरे को पता नहीं है, वो लोग मेरे को वहाँ पे ढूंढते रहेंगे और हम लोग इस टनल के अंदर सेफ हैं। तो भाई ये पुलिस वाले हमारे पीछे से हट चुके हैं और अभी मुझे बस लेस्टर के पास जाना है और उसे सारी बातें बतानी है। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी कार चेंज करनी पड़ेगी, इस कार का कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि वो पुलिस वाले मेरे को दोबारा ना देख पाए, और अपनी आइडेंटिटी मुझे छुपानी होगी। यार यहाँ पे बहुत गंदी सीन होने वाला है, उससे पहले यहाँ पे पुलिस मेरे पीछे दोबारा लगे, सबसे पहले चलते हैं लॉस सैंटोस कस्टम में जहाँ पे हम लोग अपनी कार का कलर चेंज करेंगे। एक सेकंड यार, गाड़ी इतनी ठुक गई है तो उसको थोड़ा सा और रैश ड्राइविंग तो बनती है गाइस। यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ होंगी ना, अपन लोग सबको तोड़ते हुए निकलेंगे, अपन लोग किसी को नहीं छोड़ने वाले। और देखो गाइस, मेरे सामने एक पुलिस वाला किसी एक बंदे को चेज कर रहा है और यहाँ पे उसको पकड़ भी लिया है। लेकिन हम लोगों को उससे क्या लेना देना, अपन लोग जाते हैं अपनी कार को फिक्स कराते हैं पहले, बहुत ज़्यादा ही टूट गई है यार पूरा एकदम इसका तो। और हे यार, यहाँ पे भी अभी कितनी टूटेगी यार, वैसे तो गाड़ी तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो गई है, और इसको मैं फिक्स कराऊँगा और साथ में इसका कलर भी चेंज कराऊँगा ताकि हम लोगों को कोई पहचान ना पाए। तो भाइयों हम लोग लॉस सैंटोस कस्टम में आ गए, और जल्दी से मैं अपनी कार फिक्स करा लेता हूँ और मिलते हैं बाहर। तो भाइयों मेरी गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू हो गई है, देख रहे हो गाइस, मैंने येलो से इसका कलर मिडनाइट पर्पल में कर लिया है। और अब सीधा चलते हैं हम लोग लेस्टर के पास और उसे बताते हैं हमारे साथ आज क्या गंदा सीन हुआ है जो कि उस पुलिस वाले ने हम लोगों के साथ किया है। तो भाइयों उस पुलिस वाले को तो सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लेस्टर के पास जाता हूँ, उसकी लोकेशन मुझे पता है वो कहाँ पे इस वक्त मिलेगा, क्योंकि भाई मुझे मेरे पैसे चाहिए पूरे के पूरे $5 मिलियन, जितनी की डील हुई थी मेरे को मेरे पैसे मेरे पास चाहिए, नहीं तो हम लोग उस पुलिस वाले को छोड़ेंगे नहीं, और उसके लिए मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं लेस्टर के पास जा रहा हूँ, वही बताएगा मेरे को क्या करना है। एक्चुअली लेस्टर का ना एक दोस्त है जो कि स्वैट वाली कॉप्स में, जो स्वैट के सोल्जर्स होते हैं ना, उन लोगों के साथ लेस्टर ने दोस्ती कर रखी है। तो अभी उन लोगों के अपार्टमेंट में लेस्टर हमारा वेट कर रहा है, और अभी सीधा चलते हैं उसी बंदे के अपार्टमेंट में जो कि आगे ही है थोड़ा सा रास्ता, बस उसका अपार्टमेंट मेरे लोकेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं से मुझे बस लेफ्ट में लेना है। एक सेकंड यार, यहीं वाला तो एरिया है यार, मुझे यहीं पे अपनी कार पार्क करनी पड़ेगी जहाँ पे ये बिल्डिंग है। एक सेकंड, ये वाली बिल्डिंग गाइस, इसी के अंदर वो बंदे रह रहे हैं, और मैं अपनी कार को अब यहीं पे पार्क कर देता हूँ। गाइस ये वाली गाड़ी मेरे को बहुत कूल लगती है यार, गाइस आपको ये वाली कार कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताना ज़रूर। और भाइयों अभी हम लोग नेक्स्ट गेम प्ले में 5M सर्वर से हम लोग वीडियो क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग एक ऐसी कार देखेंगे ना जिसका कलर अपने आप चेंज हो जाता है यार, एनिमेटेड कार होती है उसमें, और भाई साहब जो कि आपको नेक्स्ट गेम प्ले में देखने को मिलेगा, और वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो फिलहाल हम लोग अपने गेम पे फोकस करते हैं, और हम लोग आ गए लेस्टर के पास। तो देखो यहाँ पे लेस्टर खड़ा हुआ है और ये स्वैट के इसके दोस्त हैं। तो भाइयों हमारी बात हुई है लेस्टर से, लेस्टर को मैंने सारी बातें बताई है, लेस्टर मुझसे कह रहा है कि तुझे थोड़ा अंडरकवर काम करना पड़ेगा जैसे ये स्वैट वाले बंदे करते हैं।
तो भाई वो ये मुझसे कह रहा है तुझे उस बॉडी बिल्डर को किडनैप करना पड़ेगा जो उनका लीडर था। तो भाई यार वो बॉडी बिल्डर को किडनैप करने के लिए यार मुझे इन स्वेट के कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो भाई मैंने इन लोगों से कपड़े ले लिए हैं और हम लोग स्वेट में कन्वर्ट हो गए हैं। गाइस एक तरह से हम लोग अब अंडरकवर काम कर रहे हैं इन्हीं स्वेट लोगों के साथ। और भाई जितनी इन्फॉर्मेशन थी ना इन स्वेट वाले बंदों ने मेरे को दे दिए उन पुलिस वालों की, क्योंकि यार ये भी एक तरह की पुलिस है जो कि उन लोगों से नेक्स्ट लेवल पे आती है। तो भाई अभी इन लोगों के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। और इन लोगों ने बोला है कि अपनी कार भी तुझे चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज वो लोग कार को भी पहचान लेते हैं बहुत जल्दी, चाहे उसमें चाहे हम लोग जितना भी हम लोग कलर चेंज कर लें लेकिन वो लोग पहचान जाएंगे बिकॉज यार गाड़ी की आइडेंटिटी उन लोगों के अकाउंट्स में उन लोगों के लॉजिस्टिक में रहती है। तो भाई अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और सीधा पहुँचते हैं एक लोकेशन पर जहाँ पर मेरे पास एक गेटवे कार रखी हुई है जो कि लेस्टर की गाड़ी है, वो भी एक सुपर कार है, वो मुझे वहाँ से उठानी है। मतलब यार देख रहे हो हम लोगों को सबसे पहले ये वाली कार चेंज करनी पड़ेगी ताकि वो लोग पता ही ना कर पाए हम लोग है कौन। तो चलो अब चलते हैं सीधा उसी लोकेशन पे जहाँ पे वो कार पार्क है। और फिलहाल मैं इस कार का मज़ा लेते हुए यहाँ से निकलता हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस कार को एक बार जंप तो कराना बनता है, जो कि मेरे सामने ही एक जंप आने वाली है। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ मेरी गाड़ी डैमेज हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बाद में इसको रिपेयर फिर से करा लेंगे। और फिलहाल तो एक जंप हम लोग यहाँ से हम लोग लगा ही देते हैं और चलते हैं सीधा अपनी उस वाली लोकेशन पे जहाँ पे वो वाली गाड़ी खड़ी हुई है, दूसरी सुपर कार। मे बी उसमें भी बूस्ट लगाओ या सम काइंड ऑफ नाइट्रस उसके अंदर भी हो यार, मैं ये चाहता हूँ क्योंकि यार नाइट्रो वाली कार चलाने का मज़ा ही कुछ और है। देख रहे हो गाइस। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग उस लोकेशन के आसपास आ गए। तो भाई लेस्टर की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें ये बताया गया था कि हमारी जो सुपर कार है ना वो एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे ऊपर खड़ी हुई है और वो बिल्डिंग जस्ट मेरे सामने है। देख रहे हो गाइस वहीं पे वो बिल्डिंग है। तो फिलहाल हम लोग अपनी कार को जंप करा के यहाँ से आ गए और सीधा अब चलते हैं उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे और उठाते हैं वो दूसरी वाली कार। हो भाई साहब देखते हैं उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, मे बी कैसी गाड़ी है। उसने बताया था वो कार बहुत तेज चलती है। मतलब यार ये वाली गाड़ी तो मेरे को काफ़ी सही लग रही थी जो मैं अभी चला रहा हूँ, लेकिन यार वो वाली कार देखनी पड़ेगी कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। गाइस इसका नाइट्रो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताना ज़रूर। और भाइयों और आपको अगर मेरे साथ गेम प्ले खेलना हो तो इसके लिए भी हम लोग कमेंट करना, तो हम लोग साथ मिलके कोई ना कोई वीडियो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो भाइयों अभी चलते हैं सीधा ऊपर वाले फ्लोर पे। हम लोग फोर्थ फ्लोर पे आ गए और इसको हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और सीधा इसके बाद आता है हम लोगों का टॉप फ्लोर। इस बिल्डिंग में सिर्फ 5 फ्लोर है। और भाई हम लोगों की सुपर कार उसने बोला था कोने में खड़ी हुई है। ओ भाई साहब ये देखो गाइस बुगाटी खड़ी हुई है, एक तरह से ये भी एक सुपर कार है। मेरे भी इसके अंदर भी नाइट्रो लगा होगा जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है। और उससे पहले यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कोई ना कोई गन हाथ में ले लेता हूँ, क्योंकि हम लोगों का सामना उस बॉडी बिल्डर से है यार। उस बॉडी बिल्डर को गन से डराने के लिए मुझे कोई अच्छी गन लेनी पड़ेगी। तो गाइस हम लोगों ने मशीन गन अपने हाथ में ले ली है। और भाइयों हमारे स्वैट मेंबर्स के इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो बंदा एक डील के लिए गया हुआ है जो कि ट्रेवर के एयरपोर्ट पे हो रही है। तो भाई इससे पहले उसकी डील ख़त्म हो और वो वहाँ से गायब हो जाए मुझे वहाँ पे जल्दी से पहुँचना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग ये वाली कार निकालते हैं, उससे पहले मैं इसका म्यूज़िक बंद कर देता हूँ बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू। और भाइयों अब इसको भगाते हुए चलते हैं सीधा हम लोग ट्रेवर के एयरपोर्ट पर, क्योंकि यार टाइम बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है इस कार के अंदर भी हम लोगों का नाइट्रो लगा हुआ है, तो भाई अभी इसको अभी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से भगा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग टाइम को बिना वेस्ट करे इसको नीचे लेके चलते हैं और सीधा पहुँचते हैं ट्रेवर के एयरपोर्ट पे। एक सेकेंड यार मैं थोड़ा इस कार की कंट्रोलिंग सीख रहा हूँ, मे बी यार ये गाड़ी उससे ज़्यादा तेज़ होगी मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन यार ये तो नीचे जाके इसको भगा के ही पता चलेगा। पहले मैं सोच रहा था इस कार को जंप करा के उतारूँ, लेकिन यार अभी नई नई गाड़ी मेरे को दिखी थी ना तो मैंने सोचा क्यों ही इसको डैमेज करेंगे यार। ऐसे भी ये वाली गाड़ी काफ़ी कूल लग रही है, हालांकि हमारी गाड़ी भी काफ़ी अच्छी थी लेकिन ये वाली कार भी कुछ कम नहीं है। तो भाई हम लोग हाईवे पे आ गए और अब इसको थोड़ा सा भगा देते हैं ताकि हम लोगों को पता चल सके इस कार की औकात क्या है और स्पीड क्या है। ओ भाइयों क्या गजब गाड़ी है यार, इसकी स्पीड तो काफ़ी अच्छी है और कंट्रोलिंग भी काफ़ी कूल है। और भाई आप लोग मेरे को ये बताना ज़रूर ये वाली कार ज़्यादा अच्छी लगी थी या पहले वाली सुपर कार हम लोगों की ज़्यादा कूल थी। दोनों में से कौन सी कार कूल ज़्यादा है ए और बी में, हम आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
ये वाली कार कार बी होगी और वो वाली गाड़ी कार ए। ऑलराइट, तो भाइयों कमेंट ज़रूर करना। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं सीधा हाईवे पे और पहुँचते हैं सीधा ट्रेवर के एयरपोर्ट पे, इससे पहले वो बंदा वहाँ से गायब ना हो जाए। और भाई साहब क्या स्पीड है यार इस कार की, 280-290 तक तो ऐसी पहुँच जाती है। हो क्या गंदी डली थी गाड़ी यार, बहुत गंदी टक्कर हुई थी, लेकिन फिर भी हम लोग कंट्रोल में आ गए हैं। आगे से थोड़ी सी मेरी गाड़ी डैमेज हो गई है, लेकिन उसको हम लोग बाद में फिक्स कर लेंगे। गाइज मेरा ये वाला मैटर अगर सॉल्व हो गया ना, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा एक मेंशन खरीदने उन्हीं पैसों से। हालांकि $5 million में मुझे एक मेंशन मिलेगा नहीं, मेंशन की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसका इंतज़ाम भी मैं कर लूँगा। लेकिन फिलहाल मुझे निपटना है अपनी आज की प्रॉब्लम से। जो मुझे धोखा मिला है ना, का बदला तो हम लोग ले कर रहेंगे, चाहे जो हो जाए। तो भाइयों हम लोग ट्रेवर के एयरपोर्ट के पास आ गए, और भाई साहब अभी मुझे बस इस वाले एयरपोर्ट के जो ट्रैक है ना, एयरफील्ड के ऊपर बस अपनी कार को फुल स्पीड में भगाना है। और एक सेकंड यार, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है सामने, ओ भाई साहब क्या गंदी डील हो रही है यार, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इन लोगों के बीच में ना एक फायरिंग कर देता हूँ, ताकि पता चले कि ये पुलिस वाला हम लोगों के साथ मिला हुआ है, और वो लोग सोचेंगे ना हम लोग पीछे से अटैक करने आए हैं उन लोगों के ऊपर, और उन लोगों की आपस में ही लड़ाई करवा देते हैं। ये वाला आइडिया बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे पहले मुझे बाइनोकुलर से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने लोग हैं और क्या क्या इन लोगों के पास गन्स वगैरह हैं। ओ भाई साहब देख रहे हो गाइस, बॉडी बिल्डर यहीं पे खड़ा हुआ है, अपने हाथ पे कुछ ना कुछ ले रखा है उसने, और उससे बातें कर रहा है उस डीलर से, और साथ में उसकी गन देख रहे हो गाइस। देख रहे हो ये वाली गाड़ी के ऊपर क्या गन लगी हुई है यार, और ऊपर से यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हुए हैं। मे बी ये एक तरह के इन लोगों की गार्ड्स वगैरह हैं, इन लोगों के हाथ में भी मशीन गन है, सबके हाथ में मशीन गन है यार। और भाई साहब मौका तो बहुत अच्छा है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना स्नाइपर से हम लोग इन लोगों के ऊपर फायरिंग कर सकें। लेकिन यार इन लोगों की गाड़ियाँ भी, जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, सारी बुलेट प्रूफ लग रही हैं, सबके ऊपर जालियाँ लगी हुई हैं। और भाई साहब नज़ारा मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा है, और एम भी बहुत अच्छा है, तो इस फाइट को स्टार्ट करते हैं, इन लोगों के बीच में लड़ाई हम लोग करवा ही देते हैं। तो भाइयों बस मुझे एक अच्छी सी पोजिशन लेनी है, ताकि ये लोग मुझे देख ना पाएँ और इनके ऊपर मैं फायरिंग कर सकूँ। मैं सोच रहा हूँ यार बिना टाइम वेस्ट करे फायर कर देता हूँ। हालांकि मैं यहाँ से भी इस बॉडी बिल्डर को मार सकता हूँ, लेकिन यार मुझे इसको मारना नहीं है। अगर मैंने इसको मार दिया तो मेरे पास पैसे भी नहीं मिलेंगे, और ऊपर से मेरे पीछे लॉस सैंटोस की सारी पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी, तो ये चीज़ बहुत गलत होगी, मुझे इसे किडनैप करना ही पड़ेगा। एक सेकेंड यार, इस वाले बंदे को अपन लोग मार सकते हैं। और भाइयों देखो एक और गया, और ये लोग अब आपस में लड़ रहे हैं। हो भाई साहब आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, इन लोगों को लग रहा है कि हम उस बॉडी बिल्डर की टीम में हैं, और ये लोग आपस में लड़ के मर गए हैं। और भाई साहब ये लोग कहाँ गया, बॉडी बिल्डर कहाँ गया हमारा, बॉडी बिल्डर तो भाग गया है। और भाइयों लेकिन एक सेकंड वो भाग रहा है यार, यहाँ पे तो है ही नहीं यार, कहीं भाग गया मेरे ख्याल से। वो देखो गाइस वो भाग रहे हैं यार, वो दोनों भाग रहे हैं। ओ भाई साहब मुझे यहीं से फायर करना पड़ेगा, इन लोगों को रोकना पड़ेगा यार, नहीं तो ये लोग गायब हो जाएंगे। भाई बहुत तेज़ी में भाग रहे हैं यार, यहाँ से तो मेरा एम भी नहीं लग पा रहा है। आई थिंक बुलेट मेरी ड्रॉप हो जा रही है, वो लोग बहुत दूर है, तो इससे पहले वो लोग गायब हो जाए मुझे जल्दी से अपनी कार उठानी पड़ेगी और उन लोगों के पीछे भागना पड़ेगा। और यहाँ पे फिलहाल तो पुलिस आ गई है, और उन लोगों ने मेरे को देख भी लिया है। कोई बात नहीं गाइस, अपन लोग उसको किडनैप करेंगे आज, चाहे वो कहाँ ही भी भागेगा, अपन लोग उसको पकड़ के लेके आएंगे, चाहे जो हो जाए। तो भाई अपनी कार को भगाते हुए सीधा चलते हैं उसी बंदे के पास जो भाग रहा है। एक सेकंड यार, ऐसे भी नहीं जाना था भाई साहब, पलटे वलटे खा गई है मेरी गाड़ी। लेकिन फिलहाल हम लोग आ गए, और एक सेकंड यार मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा हाई ग्राउंड लेके कि वो बंदा कहाँ पे है, क्योंकि इस वाले एरिया में यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और वो बंदा इसी साइड हम लोगों को देखा था भागते हुए लास्ट टाइम। और एक सेकंड यार मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ, ताकि मुझे वो बंदा यहाँ से दिख सके। एक सेकंड यार ये गाड़ी कितनी ड्रिफ्ट खा रही है यार, अब तो यार ये हाईवे वाली कार है, सुपर कार है, और इसको मैं ऑफ रोडिंग में करा रहा हूँ यार, ये चीज़ बहुत ही गलत है। कोई बात नहीं गाइस, अपन लोग यहीं से हम लोग देखेंगे उस बंदे को कि वो बंदा है कहाँ। आखिर वो भाग रहा है यार, वो भाग रहा है, देख रहे हो गाइस, वो दिख गया मेरे को बंदा। ओ बेटा कहाँ जा रहा है, बच के जाएगा कहाँ से। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग इसके पास आ गए, और जल्दी से इसके पास चलते हैं। ओह मेरे को देख के फिर से भाग रहा है, रुक जा साले कहाँ भागेगा। मैं सोच रहा हूँ उसको गोली मार के किस्सा ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन यार मार नहीं सकता हूँ ना अभी, ये चीज़ अगर मैंने मार दिया ना तो यार फिर हम लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हम लोगों का। इसको बंदे को मेरे को किडनैप करना ही पड़ेगा। देख रहा होगा इस कैसे चिल्लाता है, वो भाग रहा है।
साले रुक जा, कहाँ जाएगा, इतनी अच्छी बॉडी बना रखी तब भी डर रहा है। भाई साहब थका दिया इसने तो, चल भाई नीचे बैठ, घुटनों पर बैठ जा, जल्दी से बैठ जा। तो भाई ये घुटनों पर नहीं बैठ रहा है और मैं सोच रहा हूँ इसको उड़ा देता हूँ। एक सेकेंड बैठ गया यार, बैठ गया, जैसे उड़ाने की बात करी ना तुरंत बैठ गया भाई। और भाई साहब मेरे साइड में आई थिंक कोई अरे यार यहाँ पे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हो रही है और तू बीच में हॉर्न मार रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या? तो भाई यो ये बंदा तो अपनी जान गंवा बैठा है जो कि हॉर्न हम लोगों को मार के बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, और इस बंदे को हम लोगों ने मार दिया है। लेकिन यार इसको बॉडी बिल्डर को जल्दी से लेके चलना पड़ेगा क्योंकि यार पुलिस किसी भी वक्त मेरे पीछे यहाँ पे आ सकती है। ऑल राइट गाइज, चल भाई जल्दी से कार के अंदर आ जा, नहीं तो मैं यहीं पे तेरे को इन पुलिस वालों के हवाले करके चला जाऊँगा। और पुलिस वाले भी इस ये भी एक तरह से वांटेड ही है, पुलिस वाले इसको भी ढूंढ रहे थे और फिलहाल मेरे पीछे भी है, तो अभी ये मेरे साथ ही रहेगा, कहीं जा भी नहीं सकता है क्योंकि अगर ये गया तो पुलिस वाले इसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो भाई अभी मैं अपनी कार ले लेता हूँ, एक सेकंड यार जल्दी से अपनी कार में उतर के बैठ जा भाई, नहीं तो मैं गोली अभी यहीं पे मारूंगा। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा कवर दे देता हूँ इससे पहले पुलिस वाले इसको मारें। आ जा भाई जल्दी से कार में बैठ जा, नहीं तो गया तू काम से। तो भाई वो अभी मौका अच्छा है इसको लेके निकलने का यहाँ से, और इस बंदे ने दरवाज़ा भी अपना बंद नहीं किया है। ओह भाई साहब दरवाज़ा तो बंद कर लेता यार। तो भाई साहब लेस्टर की सुपर कार की तो बैंड बजने वाली है, और गाइस इसका बूस्ट देख रहे हो गाइस क्या गंदा चल रहा है, और हम लोग एकदम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। फिलहाल स्टार भी ब्लिंक होने लगे हैं और मौका अच्छा है हम लोगों को पुलिस से पीछे छुड़वाने का। और अब इसको मुझे भगाते हुए लेके निकलना है ताकि पुलिस वाले हमको देख ही ना पाए कि हम लोग किस डायरेक्शन में गए हैं, और हम लोग इतनी और ज़्यादा ऑफ रोडिंग हम लोग कर रहे हैं ना, और पुलिस वाले हम लोगों को इस तरह नहीं पकड़ सकते हैं। भाई साहब क्या गंदी पलटी खा के सीधी हो गई गाड़ी। तो मौका अच्छा है यहाँ से निकलने का, और मेरे ख्याल से पुलिस वाले भी हटने ही वाले हैं, काफ़ी देर से स्टार ब्लिंक हो रहे हैं। एक सेकंड यार अपनी कार को मैं एक बार हाईवे पे ले आता हूँ ना, तो इस कार को भगाने में मज़ा भी आएगा। तो भाई वो पुलिस वाले हट चुके हैं और अब हम लोग प्रॉपरली हाईवे पे ऑफ रोडिंग के बिना हम लोग चल सकते हैं। लेकिन यार ये वाला रास्ता इस कार के लिए बना नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है इसको यहाँ पर चलाने का। यार बहुत ज़्यादा ये वाली गाड़ी ड्रिफ्ट खा रही है, और ये बॉडी बिल्डर देखो दरवाज़ा खोल के बैठा था और इसका दरवाज़ा भी टूट गया है, और भाई साहब बिना दरवाजे के अभी ये बैठा हुआ है। अब इसको लेके चलते हैं सीधा अपने लॉस सैंटोस में, और सीधा इसको एक अच्छी सी जगह किडनैप करके रखेंगे ताकि कोई हम लोगों को देख ही ना पाए, और वहीं पे हम लोग फिर डील करेंगे। तो भाइयों लेस्टर ने हम लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि उस बंदे को किडनैप करने के बाद ना कंस्ट्रक्शन साइट पर ले आना, तो हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन साइट के पास ले आए, और अब बस मुझे किसी तरह इसको ऊपर लेके जाना है और वहीं पे जाके इसको पटक देना है। तो भाइयों वहीं पे जाके हम लोग इसको किडनैप करके रखने वाले हैं। एक सेकेंड यार, वो कह रहा था कार भी ऊपर आ जाएगी जो कि रास्ता बना हुआ है। यार सही कह रहा था यार, मुझे लगा गाड़ी ऊपर कैसे लेके जाऊँगा मैं। तो भाइयों मौका अच्छा है और इसको लेके जाने का ऊपर। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे मुझे बहुत ही आराम से इस कार को लेके जाना पड़ेगा। रिपेयर हम लोग इसको बाद में करवा लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है रिपेयर की। और ये लोकेशन मेरे को सही लग रही है, यहीं पे हम लोग अपनी कार पार्क कर देते हैं और इस बंदे को मैं उतरने को बोलता हूँ गाड़ी से। एक सेकेंड गाइस, चल बेटा बाहर आ जा और हाथ ऊपर कर, घुटने नीचे नीचे बैठ जा, हाथ ऊपर करके नीचे बैठ जा भाई, सिंपल कह रहा हूँ, नहीं तो अभी गया तू काम से, ख़त्म तेरा काम ख़त्म है भाई, जल्दी से नीचे बैठ जा, नीचे बैठना ही पड़ेगा बॉस, नीचे तो बैठना पड़ेगा। ये मना कर रहा है मेरे को नीचे मत बैठाओ, लेकिन यार नीचे तो बैठना पड़ेगा यार, नहीं तो गया तू काम से। तो भाइयों हमारा मिशन आज कंप्लीट हो गया, हम लोग इस बॉडी बिल्डर को किडनैप करके ले आए, और अब बस मुझे ये इन्फॉर्मेशन उन पुलिस वालों तक पहुँचानी है ताकि वो बंदे मेरा पैसा मुझे दे सकें। और भाइयों इसके बिना तो मैं इसको छोड़ने नहीं वाला हूँ, बिकॉज़ यार पैसे मिल जाएंगे ना तभी मैं इसको छोड़ूंगा। लेकिन यार अगर उन लोगों ने कुछ भी अगर मेरे साथ नाटक किया ना, तो भाई इस बंदे का और उन पुलिस वालों का काम तमाम तो तय है। और लेस्टर भी और स्वैट के मेरे और सोल्जर्स भी आ ही रहे होंगे रास्ते में। तो गाइज उस पुलिस वाले से डील हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे इस बंदे की, और उससे लेंगे अपने $5 मिलियन की जगह $10 मिलियन, तभी हम इस बंदे को छोड़ेंगे, क्योंकि यार उस बंदे ने मेरे को धोखा दिया उस पुलिस वाले ने, नहीं तो मैं उसको $5 मिलियन में ही छोड़ देता। तो अभी रेट मेरा बढ़ गया है, नहीं तो इसकी बैंड तो बजनी तय है। तो भाइयों और आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना गाइज। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।
और भाई सब बॉडी बिल्डर, अगर तूने जरी सी भी नौटंकी करी तेरा ये आखिरी दिन होगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, बाय बाय। I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap.